गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज आपके सामने 3 जैन 2022 के रिस्पांस आंसर की लेकर आई हूँ। ये ईवीएस का सेक्शन मैं आपको पहले करा रही हूँ। पहले मैं ईवीएस के सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सीडीपी पे आ जाऊँगी, ठीक है। और आप लोग मुझे संस्कृत का भी बोल रहे हैं, तो संस्कृत मुझे बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं उसका पेपर नहीं करा पाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं, क्योंकि मुझे आंसर, क्योंकि मैं अकेली हूं और आंसर मुझे फिर खुद करने पाना है। उसमें कभी कभी मिस्टेक भी हो जा रही है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं किसी में, तो मैंने अपने जो कमेंट्स में पिन कर दिए हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट्स में जाके एक बार चेक कर लें कि इस क्वेश्चन को मैंने पिन कर दिया है। अगर कोई और गलत लगे आपको तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको कन्फर्म करके आंसर एक बार फिर बता दूंगी, ठीक है। फिर आंसर की भी आएगी सी टेट वालों की तरफ से, तो वहाँ से भी हम एक बार चेक कर लेंगे आंसर, सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रहना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 जैन 2022 का पेपर है ईवीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अदिति एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर है करेक्ट, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थी को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्न में से कौन सी इसी बात को प्रस्तावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है 2, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को अवसर देती है कि वो अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। जग एवं मग पद्धति, जांच आधारित शिक्षण, व्यंखान विधि, चौक एवं टॉक विधि। तो चौक एवं टॉक विधि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर किसी में भी मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे एक बार बता दें, क्योंकि बहुत जल्दी में ये पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं और मैं अकेले ही कर रही हूँ जो भी करना है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोनाल्ड रॉस्को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने से के लिए मिला, किस में मलेरिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। ए सी डी करेक्ट ऑप्शन है 1, ए सी डी, निमोनिया नहीं फैलता, 3 मच्छरों से फैलते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। 5 का हो गया 1। वो जब हमने मच्छर का बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि रोनाल्डो को मॉस्क उसके ऊपर मिला था, ठीक है, मलेरिया के ऊपर, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, वो है ऑप्शन नंबर 1 SO2, ठीक है, SO2 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा जहरीला नहीं है, अफवाई, क्रशाली वाइपर, या भारतीय शैल, अजगर, पाइथन, करेत, दुबैया। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारतीय शैल, अजगर, पाइथन, ठीक है, 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, झूम फार्मिंग इज अ स्लैश एंड बन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 9 का जो ऑप्शन है करेक्ट है 1, स्लैश और बन फार्मिंग, ठीक है, 9 का हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। एन ईवीएस क्लासरूम शुड बी अ हैप्पी क्लासरूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 की, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज। 10 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी ने आधा पेपर हिंदी में करा होगा, कुछ पेपर को इंग्लिश में भी सॉल्व करा होगा, तो वो वही स्टेटमेंट आ रहा है इंग्लिश के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, वो से क्या कहते हैं, ड्रिप कहते हैं, सिंचाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 का है ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कक्षा थर्ड के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर थर्ड, उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 2 पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ऑप्शन नंबर 2। 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं पेपर करा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विद्यार्थी को जैव विविधता के अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। 14 का है पक्षी अभयारण्य के अवलोकन के लिए ले जाना, 14 का 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का है 2, 15 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉरी 2 नहीं, देखते हैं। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सहायता करती है, विद्यार्थी को सहायता करती है ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सहकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही लग रहा है मुझे कि 2, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान से रचना के लिए, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे इसका, 15 का लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द ब्लू मॉन्ड के प्रयोग विद्यार्थियों के वैज्ञानिकों को भूमिका समझने में सहायता करते हैं, नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यस्त कीजिए। तो हमें सबसे लगाना है कि, तो चलिए पूछ पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या है। 6 ऑप्शन है इसमें, परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना एवं निष्कर्ष करना या परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का प्रशिक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रशिक्षण करना। तो जो सबसे पहले है वो प्रशिक्षण करना होगा, फिर होगा अनुभव, पहले 6, फिर 4, उसके बाद 5, 2, 3 और 1। अगर आपने ऐसे लगाया तो ठीक है, 16 का 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उप थीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। 17 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है 1, विद्यार्थी को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, 17 का 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, विषदंत, कृतंक छेदक, शल्क या कसक। तो क्या बोला था, छेदक, कृतंक छेदक, 18 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ईवीएस के में आंकलन का संकेतक है, 19 का ऑप्शन नंबर 2 चर्चा करना, ठीक है, 19 का 2 चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा जानवर के आगे के दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, तो बाघ, बिल्ली, सांप, गिलहरी। तो किसके बढ़ते रहते हैं, वो गिलहरी है, 16 का 4 गिलहरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, तो पश्मीना जो वो होती है वो बकरी से होती है, ठीक है, बकरी, गोट। ठीक है, तो वो बकरी से प्राप्त होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि पश्मीना उन बकरियों से के बाल से प्राप्त होती है जिनके अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से, ठीक है, अंगोरा ऊन। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ही है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज हुकवॉर्म, अर्थवॉर्म, टेप वॉर्म और लीचेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों के जाल में फंसाता है और खा जाता है, तो वो है गड़पर्णी का पौधा, निपेंथीस वाला, ठीक है, इंग्लिश में निपेंथीस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, कहाँ से लिया गया है, कौन से।
तो ये वन एक्ट के अधिकार लिया गया है 2007 से, ठीक है। 24 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एवं उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ए, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने के सरल में, ये सही है बिल्कुल। और बी देख लेते हैं, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो ए और बी ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन 25 का है ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ए बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा 5th के अध्याय दीवार के उस पार में शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव को साझा करने में व्यक्त करते हैं। निम्न में से कौन सा उनके प्रयास का सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, खेलों संबंधित मूल्यों का विकास, या कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावनाएं, खेलों से संबंधित नियम की साझा का विकास। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 26 का वन है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास करेंगे, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की शाब्दिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानी, केवल रानी मक्खी अंडा देती है, ये ठीक बात है। 27 का वन करेक्ट है। नर मक्खी के कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, यह कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और छत्ते में लेकर आती हैं। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बी और सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार। 28 का जो है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये सबने पढ़ा होगा कि किसके होता है, छाल से, ठीक है। छाल उपचार के लिए किया जाता है, छाल यूज़ की जाती है उसकी, सिनकोना की। 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, छाल। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। विचारों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का उपयोगी उपकरण है। 30 का जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है ये संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मैं आती हूँ आपको नेक्स्ट, मुझसे थर्ड जैन का किसी ने पेपर कहा था कि आप मुझे कमेंट में कि थर्ड जैन का करा दीजिए, तो मैंने ईवीएस का करा दिया। मैं 22 दिसंबर का लेकर आऊँगी, क्योंकि किसी ने मुझे 22 दिसंबर का पेपर दिया है अपनी आंसर की, तो मैं वो कराऊँगी अब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक आपको लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।